दोस्तों, गुड़ खाने से हमें फायदे होते हैं या नुकसान, और क्या ज्यादा गुड़ खाने से हमारे शरीर में कीड़े पैदा होते हैं, और क्या ये सच है कि गुड़ हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं गुड़ खाने के फायदे के बारे में। नंबर एक, भोजन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। देखिए, हम लोग जो भी खाते हैं वो आहार नली से होकर हमारे स्टमक में पहुंचती है, जहां खाना टूटने के बाद छोटी आंत में जाता है और वहां से मल के रूप में शरीर से बाहर चला जाता है। लेकिन इस पूरे प्रक्रिया में सबसे ज्यादा गंदगी आपकी आंतों में ही जमा होती है। अगर आप अपने आंतों को जूम करके देखें तो वो कुछ ऐसा दिखता है। उसमें उंगलियों की तरह संरचना बनी होती है और इन्हीं संरचनाओं में हमारी नसें जुड़ी होती है, जो कि हमारे द्वारा खाए गए भोजन से पोषक तत्व को खींचकर हमारे पूरे बॉडी में पहुंचाती है। लेकिन जब हमारी आंतों में बहुत ज्यादा गंदगी जम जाती है, लंबे समय तक साफ नहीं होती, तो उसके जो छिद्र होते हैं वो बंद हो जाते हैं। लेकिन जब आप गुड़ का सेवन करते हो तो ये आपके आंतों में जमी गंदगी को खींचकर आपके बॉडी से मल के रूप में बाहर कर देता है, जिससे आपकी आंतें साफ हो जाती है। नंबर दो, पाचन शक्ति को मजबूत बनाती है। देखिए, जब गुड़ का टुकड़ा आपके स्टमक में जाता है तो आपका स्टमक पाचक रस को और ज्यादा स्रावित करने लगता है, और जिससे आप जो भी भोजन करते हो वो अच्छे तरीके से आपके स्टमक में टूटती है और उसका कण कण आपके स्टमक में पचती है, और जिससे कि आपके पाचन तंत्र को उसे पचाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, और धीरे धीरे आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग बनते जाता है। नंबर तीन, बाल को काला और घना रखता है। देखिए, आज के खाद वाले भोजन में बहुत ज्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी होता है, और जिसकी वजह से हमारे स्टमक में गर्मी रहती है, और ये जब गर्मी बाहर नहीं जाती तब हमारे बाल टूटने लगते हैं। उम्र से पहले हमारे बाल सफेद होने लगते हैं और साथ ही साथ हमें पिंपल भी होने लगते हैं। लेकिन गुड़ एल्कलाइन नेचर का होता है, जो कि आपके स्टमक के एसिडिक प्रॉपर्टी को शांत करता है, और जिसकी वजह से आपके बाल मजबूत बनते हैं और समय से पहले आपके बाल सफेद नहीं होते हैं। नंबर चार, चेहरे में चमक आता है। देखिए, गुड़ का सेवन करने से क्या होता है कि हमारे बॉडी का जो ग्लाइकेशन प्रोसेस होता है वो स्लो हो जाती है, और जिसके वजह से आपके स्किन सेल्स जल्दी डैमेज नहीं होती, उसमें झुर्रियां नहीं आती है, और साथ ही साथ उसका चमक लंबे समय तक बना रहता है, आपका चेहरा लंबे समय तक यंग रहता है। नंबर पाँच, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। देखिए, गुड़ आपके स्टमक में गुड़ बैक्टीरिया की संख्या को काफी ज्यादा तेजी से बढ़ाती है, और साथ ही साथ नए नए एंटीबायोटिक का भी निर्माण करती है, और जिससे आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और आपको कोई भी बीमारी आसानी से नहीं होती है। नंबर छह, गैस को खत्म करता है। देखिए, हमारे पेट में गैस तब बनती है जब हमारा खाना पचने की जगह सड़ने लगता है, लेकिन गुड़ एक ऐसी चीज है जो कि आपके खाने को सड़ने नहीं देता, बल्कि उसे अच्छे तरीके से पचाता है, और जिससे कि आपके पेट में कभी भी गैस बन ही नहीं पाती। नंबर सात, आपके बॉडी को डिटॉक्स करता है। देखिए, हम लोग बीमार तब पड़ते हैं जब हमारी बॉडी की गंदगी शरीर से बाहर नहीं जाती, और यही गंदगी बाद में बड़ी बीमारी का रूप लेती है। लेकिन गुड़ एक ऐसी चीज है जो कि हमारे पूरे बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करता है, यानी कि आपकी बॉडी में जितनी भी गंदगी है उसे बाहर निकालने का काम करता है। नंबर आठ, आपको शुगर यानी कि डायबिटीज कभी भी नहीं होगा। आज इंडिया में 80% लोग जिसकी उम्र 30 से अधिक है उसे शुगर की बीमारी है, और आपको ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि हमारे देश में शुगर नाम की कोई बीमारी थी ही नहीं जब तक हम लोग गुड़ का सेवन करते थे। ये बीमारी हमारे देश में तब आई जब हम लोग गुड़ को छोड़कर चीनी की ओर भागने लगे। देखिए, चीनी जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, और वही जो गुड़ होता है वो एल्कलाइन नेचर का होता है, यानी कि एक हमारे सेहत के लिए बेकार है और दूसरा बहुत अच्छा। तो चीनी को छोड़िए और गुड़ का सेवन कीजिए।